नाग पंचमी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चौथ के दिन शाम को मोठ चने भिगो दे, रात को खाना बनाकर रख दे और दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। नाग पंचमी की कहानी। विक्रम संवत की एक बार की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके सात बेटे और सात बहुएं थी। सातों बहुएं जोहर से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी में से एक सांप निकल आया। सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने दौड़ी, तो छोटी बहू ने सांप को नहीं मारने दिया। उसने सांप को अपना मुंह बोला भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भैया जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। वह जब अपने घर गई तो उसे देखकर उसकी जिठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया, वहां से बचकर आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसको इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और शगुन का सामान देकर मायके भेज दिया। मायके में जाने के बाद सांप की मां ने उसकी बहुत ही खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी मां से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन दौलत देकर ससुराल भेज दिया। उसके ससुराल में इतना सारा सामान और धन दौलत देखकर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई तो तुझे बड़े ही लाड दुलार से रखता है और तुझे 6 कोठे की चाबी भी दे दी, लेकिन 7वें कोठे की नहीं दी। यह सुनकर उसके मन में भी यही बात आई कि मेरे भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। जाकर उसने अपने भाई से प्रश्न किया तो इस पर उसके भाई ने उत्तर दिया कि यदि 7वें कोठे की चाबी लेगी तो तू बहुत पछताएगी। परंतु जिद करके उसने अपने भाई से 7वें कोठे की चाबी ले ली और ताला खोल कर देखा तो वहां पर एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर बड़ी तेज फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं खाऊंगा। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आ गई। इतना सारा सामान देखकर उसकी सारी जेठानियां देखती रह गईं और बोली कि हमारा तो पीहर था, तब भी हमें कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पीहर नहीं था, तब भी इसका सब कोई है, और इसको इसके पीहर से इतना सारा धन मिला है। दूसरे दिन उसके बच्चों से अनाज की बोरी गिर गई। इस पर उसकी जेठानी ने बच्चों को बहुत ही भला बुरा कहा और बोली कि तुम्हारे नाना मामा यदि सुन रहे हैं तो उनसे सोने चांदी की बोरी मंगवाओ। तब बच्चों ने अपनी माँ से जाकर कहा तो सांप सुन रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बहन को तो उसकी जेठानी बहुत ताने मारती है, इसलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी बनवाकर अपनी बहन के घर भिजवा दी। इसके बाद बच्चों से झाड़ू गिर गई तो उनकी ताई बोली कि तुम्हारे तो नाना मामा अजगर और सांप है, इसीलिए हमारी झाड़ू मत गिराओ। उनकी यह सब बातें सांप सुन रहा था। उसने फिर से अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, बहन को तो बहुत ही ताने सुनने मिल रहे हैं, इसलिए मैं सोने चांदी की झाड़ू बनवाकर बहन को दे आऊंगा। यह देखकर जेठानी ने ताने मारने तो बंद कर दिए, लेकिन उससे फिर भी नहीं रहा गया और उसने अपनी देवरानी की शिकायत राजा से जाकर कर दी। वह बोली, महाराज, मेरी देवरानी के पास बहुत ही सुंदर 9 लखा हार है,
जो कि उसके गले में शोभा नहीं देता। वह तो केवल महारानी के गले में शोभा देगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को महल में बुलाया और हार देने की बात कही। साहूकार के बेटे की बहू ने हार तो दे दिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि मैं पहनूं तो हार रहे, महारानी पहने तो सांप बन जाए। और ऐसा ही हुआ। रानी के गले में डालते ही हार सांप बन गया। रानी चिल्लाई और बोली कि उस साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ और उससे पूछो कि वह कौन सा जादू करके गई है। साहूकार के बेटे की बहू से जब पूछा गया तब उसने उत्तर दिया कि मेरा पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था। उस सांप देवता ने ही मुझे ये हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से नहीं डरी, और उन्होंने उसके पति के कान भर दिए और कहा कि इसे पूछो कि इतना सारा धन यह कहां से लाती है। उसने अपने पति को सारी बात कह डाली और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायनाक निकाले। इस कहानी को जो कोई भी सुनता, पढ़ता और सुनाता है, उसकी नाग देवता सब मनोकामना पूर्ण करते हैं।